अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से सब अपनी खैरियत से होंगे, सब खैरियत से होंगे। और मैं मार्केट निकला हुआ था अभी, मैंने कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखी, रश देखा, तो सोचा कि आपको भी दिखाऊं कि मार्केट के खुलते ही यहाँ पे ट्रैफिक, लोगों का हजूम, लोगों का रश शॉपिंग मार्केट्स में, शॉपिंग प्लाजा में। प्लाजे तो खैर बहुत बड़े प्लाजा बंद हैं, लेकिन जो शॉप्स हैं वो खुली हैं। लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है ना, मार्केट्स ओपन होते ही लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे इकट्ठी हो गई है शॉपिंग के लिए। ईद की शॉपिंग करने के लिए लोग आए हुए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस कदर लोगों का रश है, हजूम है, और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है ना घरों से निकल आए हैं। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। चलिए मैं आपको विजिट करवाता हूँ और लोगों की बहुत बड़ी तादाद। Oh, 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 oh
जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा क्लिप, वीडियो क्लिप अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। और आपने देखा कि किस कदर लॉकडाउन ख़त्म होते ही किस कदर रश और लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम जो है, लोगों की बहुत बड़ी तादाद घरों से निकल आई है, जो कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। वो इसलिए क्योंकि अभी कोरोना मुल्क से ख़त्म नहीं हुआ, तो लोग जैसे ही लॉकडाउन में कमी हुई है या लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, तो लाहौर में लोग ईद की शॉपिंग के लिए बाहर इस कदर निकल आए हैं कि लोगों की इतनी तादाद, तो ये एक ये आप कह सकते हैं कि लोगों को प्रिकॉशनरी मेजर जो हैं वो अपनी हिफाजती इकदाम जो हैं वो लाजमी अपनाने चाहिए और एहतियात करनी चाहिए। एहतियात जितनी भी करें वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरा मकसद इस वीडियो को दिखाने का सिर्फ यही था कि बस लोग एहतियात करें, घरों से निकलें। अगर आप बहुत ज़रूरी है तो तब आप निकलें, अगर ज़रूरी नहीं है बिला वजह आप निकल रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग भी लोग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन आज दो दिन हुए हैं, मंडे से लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, तो लोगों की तादाद मंडे को कुछ थोड़ी थी, उसके बाद ट्यूसडे, आज वेडनेसडे, थर्सडे है, तो बहुत बड़ी तादाद में लोग घरों से निकले हैं शॉपिंग करने के लिए। फैमिलीज़ आई हुई हैं यहाँ पे, आपने देखा वीडियो में। तो एहतियात करें, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का, अपने रिश्तेदारों का और अपने अजीज़ों अकारिब का, अपने चाहने वालों का ख्याल करें। तो इसी के साथ बस इजाज़त चाहूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके मुझे बताएं कि हमें अभी ये जो अभी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में एहतियात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये जो मास्क वगैरह हैं या हैंड सैनिटाइज़र हैं या सोशल डिस्टेंसिंग है, उनको अभी हमें अपनाना चाहिए या नहीं, अगर नहीं तो क्यों, ये मुझे कमेंट करके आप बताइएगा। और अगर करना चाहिए तो ये तो बहुत बड़ी बात है, मुझे कमेंट करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ कार्यक्रम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।